मैं गोपाल सिंह पुत्र श्री चेतराम ग्राम तलाड़ डागर शाहदार हिमाचल प्रदेश का स्थानीय निवासी हूँ। मेरे पास यहाँ कम से कम 350-300 पेटी थी और जो सारे फ्लड में चले गई और यहाँ एक कौशेड था, एक वाटर टैंक बनाया था जो सारे मलबे में दब गया और हमारे पास अब कोई जीने का साधन नहीं है सर। और प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जबकि पटवार गणगो को मैंने बोला और यहाँ तक नहीं आए। उनको बोले तो मैंने वो बोल रहे कि हम देख के चल गए। मैं जय सिंह, फादर नेम श्री माड़ूराम जी। ये ज़मीन हमें ठाकुर रामलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब दी गई, औरों को भी दी। उसके बाद आज तक ये 3 बार स्लाइड हो चुकी है और कभी भी कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं आया, कभी भी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली। आज हमारे पास ये 250 पौधा बड़ी मेहनत करके मैंने लगाया था, सारी पूंजी मैंने अपनी इसमें लगाई थी, लेकिन ये अभी भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई नहीं आया, ना कोई पटवारी आए, ना कोई कानगो आए, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। आप बताइए हम कहाँ जाएँ। मेरी डीसी शिमला से मांग रहेगी कि मुझे इसका तबादला दिया जाए। सर सर मैं रूप सिंह, एक्स वाइस प्रधान ग्राम पंचायत शाहदार। हमारे एरिया में इतना नुकसान हुआ कि बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास इतनी ज़मीन थी 3-1 बीघा सारी चला गई। इसमें ना शासन ना प्रशासन कोई खड़ा नहीं हो रहा है इस टाइम हमारे पास, ना कोई पूछ रहा है बैठ के क्या कर रहे हैं, जबकि तहसीलदार एस डी एम कानगो कोई पंचायत प्रतिनिधि कोई पटवारी सबको आना चाहिए था मौके पर। आज हमारे को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये एक ऐसी का गाँव है इसलिए शायद दरकिनार कर रहे हैं। आज तक हमारा कोई नहीं, जितनी भी ज़मीन थी हमारी सारी फ्लड में चला गई। हमारे पास एक ही साधन यही था कि हमारे पास बाकी कोई चारा ही नहीं है। अगर हम आगे क्या खाएंगे क्या करेंगे, हम हमारी तो स्थिति नाजुक हो गई, मकान खत्म हो गए, ज़मीनें खत्म हो गई, जितनी ज़मीन थी सारी बह गई। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।